नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। यूं तो इन दोनों देश और दुनिया के सामने कई मुसीबतें आन खड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे बड़ी मुसीबत है कोरोना महामारी। लेकिन हाल ही में एक और बड़ी मुसीबत ने देश में जमकर तांडव मचाया। उस तांडव का नाम है चक्रवात, यानी कि साइक्लोन। इस चक्रवात ने ना जाने कितने हंसते खेलते घरों को उजाड़ दिया और ना जाने कितनी जिंदगियां हमेशा के लिए थम गई। आज हम इस खास पेशकश में बात करेंगे चक्रवात उन अलग अलग चक्रों की, जिनकी वजह से हजारों लोगों के जीवन चक्र पर ब्रेक लग गया। हम अक्सर चक्रवात की बात करते हैं, साइक्लोन की चेतावनी दी जाती है किन राज्यों के किन तटीय इलाकों से टकराएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह चक्रवात है क्या और इसका इतिहास क्या है। इसे समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चक्रवात का इतिहास, कब कब महाविनाश। क्यों आते हैं चक्रवात? एक मशहूर उर्दू शायर ने कहा है, किनारे से ही तूफान का नजारा देखने वालों, किनारे से कभी अंदाजे तूफान नहीं होता। हजारों लोगों को बेघर कर करोड़ों अरबों रुपयों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले तूफानों और चक्रवातों का भारत और पूरी दुनिया में बराबर आना जाना लगा रहता है। जब वायुमंडल में हवा की गति सामान्य से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है तो ये तूफान का रूप ले लेती है। सभी तूफान एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ अलग जरूर होता है। जैसे कुछ तूफान छोटे से इलाके को प्रभावित करते हैं तो कुछ हजारों किलोमीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेते हैं। जमीन पर जब हवा तेजी से चलती है तो उसे आंधी या तूफान कहते हैं और समुद्र से उठने वाले तूफान को चक्रवात कहा जाता है। भारत और दुनिया भर के तटीय इलाके हमेशा चक्रवाती तूफानों से जूझते रहे हैं। चक्रवाती तूफानों को अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाता है। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून तीनों ही चक्रवाती तूफान होते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफान हरिकेन कहलाते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफानों को टाइफून और दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफानों को साइक्लोन कहा जाता है। भारतीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले चक्रवाती तूफान दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर से आते हैं, इसलिए इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। इनके घूमने की दिशाएं भी अलग अलग होती हैं। पृथ्वी के ऊपरी आधी हिस्से यानी उत्तरी गोलार्ध में आने वाले चक्रवाती तूफान घड़ी के सुई की दिशा यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले तूफान घड़ी के सुई की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। चक्रवात एक ऐसी मुसीबत है जिसे रोका नहीं जा सकता, पर चक्रवात से होने वाली जनधन की हानि को कम जरूर किया जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों की ओर से ऐसी तकनीक पर काम किया जा रहा है जिससे चक्रवात की तीव्रता को कम किया जा सके, साथ ही चक्रवात की दिशा में थोड़ा परिवर्तन किया जा सके ताकि इससे कम से कम नुकसान हो। क्यों आते हैं चक्रवाती तूफान? पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है, जमीन की तरह समुद्र के ऊपर भी हवा होती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। विरल हवा वाली जगह को भरने के लिए चारों ओर से तेजी से हवा बहती है। इसी प्रकार
जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो इसकी सतह से लगी हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस कारण वहां निम्न दाब क्षेत्र बनने लगता है। आसपास की ठंडी हवा उस निम्न दाब क्षेत्र को भरने के लिए तेजी से बढ़ती है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इस वजह से हवा भी सीधी दिशा में चलने के बजाय घूमने लगती है और गोलाकार चक्कर लगाते हुए निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ती है। चक्रवात में हवा तेजी से चक्कर लगाती है, इसलिए इसका मध्य बिंदु हमेशा खाली होता है। हवा उसी बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन उस बिंदु तक नहीं पहुंचती। इसे चक्रवात की आंख कहते हैं। गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवा में नमी होती है, इसलिए चक्रवात के दौरान तेज हवा के साथ बारिश भी होती है। चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ने वाले चक्रवात समुद्र के तट से टकराने पर कमजोर पड़ने लगते हैं। इसका कारण है जमीन की सतह पर हवा का उच्च दबाव होना। चक्रवात की दिशा का अनुमान तो लग जाता है, लेकिन चक्रवात का रास्ता निश्चित नहीं होता। कई बार चक्रवात तट से टकराने से पहले ही अपना रास्ता बदल देता है। ऐसा हवा का दबाव बदलने के कारण होता है। श्रेणी एक में हवा की रफ्तार 119 किलोमीटर प्रति घंटा से 153 किलोमीटर प्रति घंटा, श्रेणी दो में 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा, श्रेणी तीन में 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा, श्रेणी चार में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा और श्रेणी पांच में 252 किलोमीटर प्रति घंटा और उससे अधिक रफ्तार से हवा बहती है। भारत के कौन से इलाके होते हैं प्रभावित? भारत के तटवर्ती इलाके, विशेषकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात चक्रवात से ज्यादा प्रभावित होते हैं। चक्रवातों के नाम कैसे पड़ते हैं? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों को नाम देने की एक खास प्रक्रिया है। इन्हें अलग अलग नाम देने का मकसद हर चक्रवात को एक अलग पहचान देना है, जिससे उसके बारे में आम लोगों को जानकारी और उचित चेतावनी दी जा सके। आम लोगों के लिए तकनीकी नाम याद रखना मुश्किल है, इसलिए अलग अलग चक्रवातों को नाम देने के लिए एक खास तरह का पैनल बनाया गया है। अगर चक्रवात की रफ्तार 34 नॉटिकल मील प्रति घंटा से ज्यादा होती है, तभी पैनल उसे खास नाम देता है। उत्तरी हिंद महासागर में बनने वाले चक्रवातों का नाम देने के लिए 13 देशों का पैनल है। उसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है। 2020 में इन चक्रवातों को नाम देने की नई सूची जारी की गई थी, जिसमें सभी 13 देशों ने 13-13 नाम सुझाए। इस तरह चक्रवातों के कुल 169 नाम तय हो चुके हैं। नामकरण करते समय ध्यान रखा जाता है कि ये लिंग, धर्म, संस्कृति और राजनीतिक रूप से तटस्थ हों और उनसे किसी की भावनाएं आहत ना हो। ये नाम छोटे और आसानी से पुकारे जा सकने वाले होते हैं। ये अधिकतम 8 अक्षरों के हो सकते हैं। फिर भी अक्सर अपरिचित भाषा होने के कारण अन्य देशों के नागरिकों के मन में कौतूहल पैदा करते हैं। ग्यास के बाद अगले तूफान का नाम गुलाब होगा, जो पाकिस्तान का दिया हुआ है। इसके बाद कतर का दिया हुआ शाहीन नाम का उपयोग होगा। एक देश के सुझाए अगले नाम का उपयोग सभी 13 देशों के सुझाए एक एक नाम के इस्तेमाल के बाद किया जाता है। चक्रवातों के नामकरण का यह चक्र लगातार चलता रहता है।
एक सूची खत्म होने से पहले ही दूसरी सूची तैयार कर ली जाती है। भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में ही क्यों आते हैं? 120 सालों के इतिहास में अरब सागर में सिर्फ 14% सामान्य और 23% भयंकर चक्रवात आए। दूसरे शब्दों में कहें तो 86% चक्रवात और 77% भयंकर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए हैं। सवाल है कि आखिर बंगाल की खाड़ी में ही अधिकतर चक्रवात क्यों उत्पन्न होते हैं, इसकी क्या वजह है? हवा का बहाव और गर्म मौसम। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज्यादा चक्रवात आने का मुख्य कारण हवा का बहाव है। पूर्वी तट पर मौजूद बंगाल की खाड़ी की तुलना में पश्चिमी तट पर स्थित अरब सागर ज्यादा ठंडा रहता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ठंडे सागर के मुकाबले गर्म सागर में तूफान ज्यादा आते हैं। इतिहास के 36 सबसे घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर नजर डालें तो इनमें 26 चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए हैं। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों का भारत में सबसे ज्यादा असर ओडिशा में पड़ता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की बारी आती है। दूसरा कारण भूमि की बनावट है। पूर्वी तटों पर स्थित राज्यों की जमीन पश्चिमी तटों से लगने वाली भूमि की तुलना में समतल है। इस कारण जमीन से टकराने के बाद चक्रवात पीछे की ओर नहीं मुड़ पाते, जबकि पश्चिमी तट से टकराने के बाद अक्सर चक्रवात की दिशा बदल जाती है। यही कारण है कि पूर्वी तट पर उत्पन्न चक्रवात ज्यादा विनाशकारी होते हैं। क्यों कम असरदार होते हैं अरब सागर के तूफान? भारत में आने वाले 5 समुद्री चक्रवातों में औसतन 4 पूर्वी किनारों से टकराते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से उठने वाले चक्रवातों के अलावा उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर से बिखरने वाले चक्रवात भी दक्षिणी चीन सागर होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंचते हैं। यही वजह है कि हमारा पूर्वी तट हमेशा चक्रवातों के दबाव में रहता है। चक्रवात अरब सागर में भी बनते हैं, लेकिन ये अमूमन भारत के पश्चिमी तट को छोड़कर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ जाते हैं। पूर्वी तट पर उत्पन्न चक्रवात ज्यादा ताकतवर होते हैं। जैसा हम पहले बता चुके हैं कि चक्रवात का वर्गीकरण कम दबाव वाले क्षेत्र में हवा की रफ्तार से तय होता है। अगर हवा की रफ्तार 119 से 221 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है तो इसे गंभीर चक्रवात माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अरब सागर के तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस कारण पहले की तुलना में वहां अब ज्यादा चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं। तौकते तूफान समेत अब तक अरब सागर में एक के बाद एक 4 चक्रवात आए हैं और चारों मानसून से पहले बने हैं। अरब सागर के लिए ये एक नया ट्रेंड है। इस ट्रेंड से पता चल रहा है कि देश के दोनों तटवर्ती इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। भारत के दोनों तटों में चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है। हिंद महासागर के तापमान में वृद्धि को इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। 2014 के एक शोध में पाया गया कि हिंद महासागर का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। ठंडा माने जाने वाले अरब सागर का पानी भी 1.2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। भारत में चक्रवातों से मौतों का आंकड़ा ज्यादा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर तक चक्रवातों का मौसम होता है, लेकिन 65% तूफान साल के अंतिम 4 महीनों में यानी सितंबर से दिसंबर के बीच आते हैं। बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर बनने वाले चक्रवात भारत में
गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, जिससे अधिकांश उत्तरी भारत में बारिश होती है। अरब सागर के ऊपर औसत बारिश बहुत कम होती है। दुनिया भर में बीते 200 सालों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से कुल मौत में 40% सिर्फ बांग्लादेश में हुई है, जबकि भारत में 1/4 लोगों की जाने गई हैं। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के मुताबिक 1891 से 2000 के बीच भारत के पूर्वी तट पर 308 चक्रवात आए और पश्चिमी तट पर सिर्फ 48 चक्रवात आए। चक्रवात मई जून और अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं। इन दोनों चरणों में प्राथमिक रूप से नवंबर में, दूसरे रूप से मई में तूफान अपने चरम पर होता है। इनसे बड़े पैमाने पर जीवन और आजीविका के अवसरों का विनाश होता है, साथ ही देश की जीडीपी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह चक्रवात न सिर्फ गांवों बल्कि शहरों में भी घरों को तबाह कर देते हैं। गंभीर चक्रवातों में बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। चक्रवातों से प्रभावित राज्यों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है। 1970 से अब तक भारत ने 170 से ज्यादा चक्रवात झेले हैं। हालांकि इसी अवधि में अमेरिका ने 574, फिलीपींस ने 330 और चीन ने भी 330 चक्रवातों का सामना किया है। भारत तीन दिशा से समुद्र से घिरा हुआ है, इस कारण इसे एक के बाद एक चक्रवात झेलने पड़ते हैं। यास चक्रवात की ही तरह 1999 में बंगाल की खाड़ी से उठा सुपर साइक्लोन नामक चक्रवात 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पारादीप के निकटवर्ती तट से टकराया था। उस दौरान समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठी थीं, जो तट पर स्थित कई गांवों को निगल गई थी। इसे 20वीं सदी का सबसे विनाशकारी चक्रवात माना गया था। अब हम आपको पिछले कुछ वर्षों में भारत में आए सबसे विनाशकारी चक्रवातों के बारे में बताते हैं। फैलिन चक्रवात। सुपर साइक्लोन के बाद कई चक्रवात आए। 12 अक्टूबर 2013 को 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फैलिन चक्रवात ओडिशा के गोपालपुर तट से टकराया था। हालांकि समय रहते सावधानी बरतने के कारण फैलिन से सिर्फ 44 लोगों की ही मौत हुई। हुदहुद चक्रवात 6 अक्टूबर 2014 को अंडमान सागर से उठे हुदहुद चक्रवात ने भारी तबाही मचाई थी। हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जिसने विशाखापत्तनम और ओडिशा में भारी बर्बादी की थी। इसका असर उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक देखने को मिला था। हुदहुद से 18 लोगों की मौत हुई थी। समय रहते जानकारी मिलने के बाद राहत कार्य के लिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया था। वर्धा साइक्लोन। दक्षिण भारत में 2016 में आए वर्धा साइक्लोन ने भारी तबाही मचाई थी। इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वैज्ञानिकों ने साइक्लोन की वजह थाईलैंड में आई बाढ़ को बताया। वर्धा के कारण भारत में 18 लोगों की मौत हुई थी, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी और लाखों पेड़ उखड़ गए। फणी साइक्लोन। सुपर साइक्लोन की ही तरह खतरनाक फणी साइक्लोन 2019 में ओडिशा और बांग्लादेश के तट से टकराया था। फणी के कारण 72 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। अकेले ओडिशा में 60 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। फणी की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अम्फान चक्रवात। मई 2020 में आए अम्फान चक्रवात ने भी भारी तबाही मचाई थी। इसे महातूफान का नाम दिया गया था। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अम्फान के कारण पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और ओडिशा में काफी बर्बादी हुई। केंद्र सरकार ने राहत के लिए
1,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। कोरिंगा ने ले ली थी 3 लाख जिंदगियां। नवंबर 1839 को बंगाल की खाड़ी से उठे एक चक्रवाती तूफान ने भारत के पश्चिमी घाट पर भयंकर तबाही मचाई। यह तूफान आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के कोरिंगा से टकराया था, इसलिए इसका नाम कोरिंगा रखा गया। चक्रवात ने लगभग पूरे कोरिंगा को तबाह कर दिया। करीब 3 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। समुद्र में 40 फीट या 12 मीटर ऊंची लहरें उठी थीं, जिनके कारण समुद्र में खड़े लगभग 20,000 जहाज तबाह हो गए। इससे 50 साल पहले भी 1789 में कोरिंगा से समुद्री चक्रवात टकराया था, जिसमें लगभग 20,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वियतनाम में हैफोंग से तबाही। अक्टूबर 1881 को वियतनाम में आया हैफोंग चक्रवात इतिहास के सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में एक माना जाता है। ये चक्रवात टोंकिन की खाड़ी से उठा, जिससे पूर्वोत्तर वियतनाम का हैफोंग शहर और उसके आसपास के तटीय इलाके तबाह हो गए। हैफोंग ने लगभग 3 लाख लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी। चीन में नीना का कहर। जुलाई 1975 को नीना टाइफून ने चीन में भारी बर्बादी की। यह चौथा सबसे घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। टाइफून नीना दक्षिणी प्रशांत महासागर से उठा। बहुत जल्द तय हो गया ये एक भयानक तूफान है। तेज रफ्तार से बढ़ते हुए यह ताइवान द्वीप से टकराया। उस समय हवा की रफ्तार लगभग 222 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी। इसके बाद यह तूफान चीन की ओर मुड़ गया। हालांकि हवा की रफ्तार पहले से कुछ कम थी, फिर भी जब नीना चीन से टकराया तब लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। उस समय चीन में बनकियो बांध का निर्माण चल रहा था। 5 अगस्त 1975 को नीना के कारण भारी बारिश हुई, जिससे बनकियों में क्षमता से ज्यादा पानी भर गया और बांध टूट गया। बनकियों के अलावा भी लगभग 60 और बांध तेज रफ्तार पानी के प्रवाह में बह गए। ये चक्रवात के कहर की कुछ ही घटनाएं हैं। इनके अलावे भी धरती अन्य प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप झेलती रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2015 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में इस धरती को लगभग 6,500 प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ी हैं। आधुनिक तकनीक के कारण प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रहने की सूचना भले ही समय रहते मिल जाए, लेकिन अज्ञात कारणों की आशंका हमेशा बनी रहती है। इन हालात में हमारा मानसिक संतुलन मजबूत रहना अनिवार्य है, तभी आपदा की स्थिति में तुरंत फैसले किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। यह सच है कि हम आपदाओं पर विराम नहीं लगा सकते, लेकिन प्रकृति से प्रेम कर इसे बहुत हद तक कम जरूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने के काम को वरीयता देनी होगी। यानी प्रकृति से प्रेम करोगे तो प्रकृति भी प्रेम दिखाएगी। आप सभी जरूर प्रकृति से प्रेम कीजिए, प्रेम दिखाइए, हमें दीजिए इजाजत और चलते रहिए समय के साथ। सहारा पढ़ो। सहारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ श्री मनोज सिन्हा जी मौजूद।